अगला सवाल जितेंद्र जी का अहमदाबाद से है। बीएचएल पर उन्होंने सवाल पूछा, 5,000 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 82 रुपए के भाव पे इनको शानदार मुनाफा हो रहा है और कह सकते हैं कि जितेंद्र जी को सबसे पहले तो बधाई कि आपने इतना अच्छा मुनाफा कमाया है शेयर में और बहुत लंबे समय से लग रहा है ये शेयर होल्ड कर रहे हैं। किरण, एक तो आप इनको एक स्टॉप लॉस बता दीजिए और बीएचएल में हमने देखा इस साल क्या शानदार रैली देखने को मिली, खासतौर पर अक्टूबर के बाद से तो जबरदस्त रैली दिख रही है शेयर में। सो बीएचएल की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रैली मिली है। तो पहले तो जितेंद्र जी को आपने जैसे बधाई दी, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सच अ मैसिव गेन। और मेन तो जो हमें उनको बधाई देनी है वो उनके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। जनरली हमने इन्वेस्टर को देखा है कि थोड़े मुनाफे में निकल जाते हैं और लॉस में खड़े देते हैं, लेकिन यहाँ अच्छा खासा मुनाफे के साथ वो खड़े रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे अब बीएचएल के चार्ट के ऊपर, तो 2017 के बाद हमने फर्स्ट टाइम देखा कि बीएचएल उसके 100 रुपीज के लेवल के ऊपर है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 2015 में लास्ट टाइम बीएचएल का भाव 170 था, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 8 से 9 साल के ऊपर का ब्रेकआउट हमें बीएचएल के ऊपर देखने को मिल रहा है और अब ये सप्लाई जोन के आसपास है। तो डेफिनेटली जैसे आपने बताया वैसे अब यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस एक रखना पड़ेगा, तो 160 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड रह सकते हैं। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें डेफिनेटली काफी सारे इन्वेस्टर इसको चेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रैली और भी एग्जॉस्टेड यहाँ से हो सकती है। तो ओवरऑल आप 160 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखिए, ऊपर में 200 तक जाने की गुंजाइश है। चलिए, अभी और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जितेंद्र जी, आपके लिए राय आते हुए।